तुम मुझे अगर ये मैगी फ्री में खिलाते हो तुम्हारे मैगी का प्रमोशन कर दूंगा। बहुत तेज हो रहे हो हैं। अच्छा कितने टाइम में बनाते हो एक मैगी? कितने टाइम में बनाते हो मैगी? में 10 मिनट। अगर तुम 30 सेकंड में बनाओगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा अभी तो ना। वो जो फूड ब्लॉगर वाले चलो। पर मैगी तो 5 मिनट में बनती है ना। एक मिनट में बनाऊंगा मैं। चलो चलो बनाओ। चलो ऐसी बात अलग है सर। अच्छा सबसे जल्दी अगर तुमको बनाने के लिए बोले तो कितने जल्दी बना सकते हो मैगी? सही से बताना। मैगी वाले क्लेम करते हैं कि मैगी 5 मिनट में बनती है और तुम 7-8 मिनट ले रहे हो। अच्छा फरहान खाते हो इसका इनका मोमोज खाते हो कैसा लगता है दिल से बताना भाई? ये सब आशापुर वाले रोड पे वाकई बहुत अच्छा मोमोज मिलता है हमको तो यहाँ। भाई बेसिकली हमको तो यहाँ मोमोज ही अच्छा लगता है फरहान, हमको तो मोमोज ही अच्छा लगता है। अबे डलवाओ उसमें चटनी भी ला बेट बेवकूफ साला, डलवाया भी ना करा भी ला बेट। बेइज्जती हो गया यार इसका। ये भी खड़े खड़े, अरे वो रेड वाली चटनी कहाँ है भाई? कई सोस में हो यार। लेकिन भाई साहब मजा आता है यहाँ पे खाते शाम सच में। आशापुर वाले रोड पे ये पड़ेगा और ये कौन सा यहाँ पे लैंडमार्क क्या है? स्माइल किंडर गार्डन स्कूल के ठीक सामने, ये आशापुर स्माइल किंडर गार्डन स्कूल के सिर्फ ठीक सामने ये पड़ेगा और बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर मोमोज। हम लोग तो फिलहाल आज मैं वेज खा रहे हैं, आज पनीर खाने का कोई इरादा नहीं, वैसे पनीर खाते हैं आज, पैसा नहीं है और पैसा नहीं है और फरहान कैसा लग रहा है आपको खा के? मैंने क्या खाने की बात की है पता? चल भाई ठीक है अब मैं भी खा लेता हूँ और बस करते हैं व्लॉग। अभी कोई व्लॉग बनाने के पर्पज़ से मैं यहाँ पर नहीं आया था, मैं यहाँ पर खाने के मकसद से आया था, नहीं तो मैं कैमरा सेटअप पूरा लेकर के आता और व्लॉग बनाने का सारा जो काम करता है जो एडिट है अरे स्क्रिप्ट है कॉन्टेंट है ये तो ये बेवकूफ़ करता है, इसलिए जो भी गाली पढ़नी चाहिए इसको पढ़नी चाहिए मुझे नहीं, मैं सिर्फ इसमें एक्ट करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ सीरियसली। तो मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट आता है चुद्दी का अर्पित का मेरा व्लॉग ये वो ये बताता है, तो इसलिए मेरी नाकामयाबी और अनसक्सेस के पीछे इसका पूरा अरे गलत बोल रहे हैं। अच्छा अभी खा रहा है रुको तो मैं भी खा लेता हूँ। बनाओ व्लॉग। देखिए ये सुस्त आदमी जब तक खा रहा है हमेशा खाने के पहले और मार के पीछे। ये हमारा कंटेंट क्रिएटर है जो कि इस समय कैमरा पकड़ा हुआ है, इसके कैमरे पकड़ने का स्टाइल ही देख के बता समझ जाएंगे आप लोग कि कितना बड़ा चूतिया कंटेंट है। ये क्या बोल रहा है अभी? अभी इसको हम बोले हैं, इसको हम बोलेंगे भाई तुम भी मेरे ब्लॉग में आओ थोड़ा फेमस हो तो कर, हम फेमस हो जाएंगे तो लड़कियां पागल हो जाएंगी। अब ये बताओ ये छोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा है ये मैगी बना रहा है, इसको मानसिक दबाव इसके मानसिक प्रभाव पे क्या असर पड़ेगा? क्या बोला तूने? इसका दिल टूटेगा हमेशा। अभी बच्चा पढ़ने का किस क्लास में हो बाबू? सही से बता रहे? अरे यार अभी 11th में भाई, 11th में बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा है। तुम क्लास 9th में हो क्या कि यार 5th में हो क्या कि तुम वो सीनियर है तुम्हारा? अबे शर्म करो, सामने मेरा स्कूल देख लो, ये मेरा स्कूल है, किंडरगार्टन से मैं एडमिशन लिया अभी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ तो मत सुना करो ठीक है, सब चूतियाँ देखो सबके, इन सबों के बात के चक्कर में पड़ोगे ना, देखो क्या नाम है, देखो अभी तेरा बुरा मानेगा कहेगा हमको चूतियाँ बोल रहा है भाई, लेकिन तुम बताए तुम मेरी जान हो। नहीं मजाक था सच में, देखो बेचारा फिर मैगी बना रहा है ये, और इस बार मैगी कोशिश करेगा 10 मिनट से पहले बनाने की। कितना टाइम लोगे इस बार बनाने का? पूरा 10 मिनट? यार थोड़ा जल्दी बनाओ तब ना मजा आए यार। टेस्ट नहीं आएगा यार, फिर बाद में तुम पूछोगे टेस्ट कहाँ है। मतलब मजा आ जाता है मोमोज खा के सच में। और इनके एक बड़े बेटे हैं जिनका ये पूरा ये अंपायर था, इन्होंने दूसरा अंपायर खड़ा किया
इससे कहाँ पे चलेंगे? कहाँ पे? एक तारीख को, एक मार्च को है वो, सस्पेंस में वो, हम लोग जाएंगे तो लेके दिखाएंगे आपको। वो सस्पेंस में है। वैसे हो सकता है ना भी बनाएं, हो सकता है बनाएं, कोई फिक्स नहीं है, बट अभी इनका ये देख लो, किसी दिन खाली रहेंगे तो उनका वो भी बनाएंगे, वो भी सस्पेंस है। वैसे ये दूर से देखने में ऐसा कुछ दिखता है भाई, ये सब यहाँ पे, और इनका ये प्राइजेस भी देख लो भाई, सब चीज बजट किफायती और बहुत अच्छा है। आना कभी बनारस वाले तो आओ यार। हैं क्या? और अब हम लोग पीने वाले हैं चाय, लेमन टी, लेमन टी नहीं, लेमन टी। और ये पिलाएगा फरहान, नहीं फरहान तो ऐसे मोमोज भी खिलाया। अच्छा अच्छा, फरहान की पार्टी देने की बारी थी इसलिए बेचारा थोड़ा सा उदास है इसके चेहरे पे देख करके। आपको देखिए देखिए बेचारे, तो वैसे फरहान तुम बताओ, तुम बहुत स्मार्ट हो यार। चाय लेना, अभी आती है चाय हम लोग के हाथ में, और इसको अपने सड़े हुए होठों से लगा के चुस्की लो। चाय भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे भाई। हेलो, कब से आते हो आप यहाँ पे? कब से आते हो इनके यहाँ खाने? पहली बार आ रहे हो? पहली बार हो जैसे पहले भी आते हो? बहुत पहले से ना, कितना साल, मतलब एक साल हो गया होगा? तुमको नहीं पता, उससे पूछ रहे हो, बच्चे से। कितना टाइम हो गया होगा जब से खुला है? अरे यहाँ के कस्टमर जो है भाई ना, एक ये बेचारा पेमेंट करने जल्दी से भाग गया, पेमेंट करने भाग गया बेचारा, बहुत परेशान है पेमेंट करने के लिए। कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है पेमेंट करके? पेमेंट मज़ा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई कैसा लग रहा है? बाइक से चुपचाप छोड़े देश। कैसा लग रहा है पेमेंट करके बताओ? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा फिर अच्छा फील कराते हैं अगली बार। हम नहीं देंगे बाबू पेमेंट ना, अगली बार इसी से लेना, इसको अच्छा लगता है पेमेंट करके तो अच्छा, हम भी चाहते हैं इसको अच्छा लगे, ठीक है? हमको अच्छा नहीं लगता, हमको एकदम अच्छा नहीं लगता। भीख मांग रहा बेचारा, कह रहा है कि कंसेशन कर दीजिए, कुछ कंसेशन करने के लिए बोल रहा है। कर दिया, 100 रुपए दिए तो वापस 100 रुपए लौटा दिया, क्या ना इसका शक्ल देख के, क्या ना अबे वो 100 की ना 200 का नोट फिर दे, अबे झूठ काहे बोलते हो बे, क्या दे अबे 100 रुपए का नोट देके भोसड़ी के तुम, 100 रुपए का नोट देके के 100 रुपए अबे मैं अबे गजब है भाई ये, सीरियसली भाई। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और हम फरहान से क्वेश्चन पूछते हैं। फरहान, अबे भाई यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, ये सवाल जो है इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो आपके लिए नहीं है, कृपया इससे दूर रहें। मतलब कि यार मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार, मतलब सच में यार, क्या बकचोदी कर रहे हो यार फरहान तुम, हैं सच में बकचोदी की लिमिट पार कर दी यार तुम, हमको तुम यार बताओ ऐसे बोलती है यार, हमें पता है ना कि भाई तुम्हारा बता इतना इंटेलिजेंट भाई है, तुम कह रहे हो बोलोड़ी बंदे ने वो अब तक नहीं डाला होगा, तैयारी से बात छोड़िए ब्रो, ये टाइम बताएगा। ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आपके एसके एसके वाइस में ब्लॉग में आपसे फिर मिलता हूँ।